हे यू गाइस, दिस इज़ भावना वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पुडिंग की रेसिपी। तो फटाफट से देख लेते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने एप्पल लिया है, पपाया लिया है और ऑरेंज लिया है। आप कोई भी अपने फेवरेट फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एड ऑन किया है ब्रिटानिया का एक केक। यहाँ टूटी फूटी लिया है फ्लेवर, आप कोई वैसा भी फ्लेवर ले सकते हैं। फिर हमें कोई भी तीन फ्लेवर के आइसक्रीम ले लेने हैं। मैंने यहाँ पे बटर स्कॉच, चॉकलेट और वनीला ही लिया है। सबसे लास्ट का इंग्रेडिएंट जो हमारा जाएगा वो है फालूदा। प्रोसेस में हमें लेना है एक सर्विंग ग्लास। उसमें सबसे नीचे के लेयर में हमें डालना है हमारा ब्रिटानिया का केक। केक से ग्लास की बॉटम में हम एक बहुत ही अच्छी लेयर बना लेंगे। की लेयरिंग अच्छे से करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पून की हेल्प ली है। आप भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है कोई सा भी फ्रूट। मैंने यहाँ सबसे पहले पपाया लिया है। इसके बाद हम केक के ऊपर लेयर पे पपाया का लेयर ऐड करेंगे। अपने लेयरिंग को बहुत ही अच्छा शो करने के लिए आप स्पून की हेल्प लेते रहिएगा। फिर हमें ऐड ऑन करना है इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम। वनीला फ्लेवर आइसक्रीम तो सबको ही पसंद आती है और इस आइसक्रीम फ्लेवर के साथ हम बहुत सारी रेसिपी को रिक्रिएट कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि वनीला आइसक्रीम का यूज़ करके हम कौन कौन से रेसिपी बना सकते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपी मिल जाएगी जो इस समर के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगी, तो आप चेकआउट ज़रूर करना। वनीला आइसक्रीम की एक अच्छी लेयरिंग करने के बाद हमें उस पर ऐड ऑन करना है ऑरेंज। ऑरेंज की भी हमें एक अच्छी लेयरिंग कर लेनी है। फिर हमें ऐड करना है एक और आइसक्रीम फ्लेवर। मैंने यहाँ बटर स्कॉच यूज़ किया है, तो मैं बटर स्कॉच की एक अच्छी लेयरिंग ऑरेंज के ऊपर कर लूँगी। इन फ्रूट्स की लेयर को और आइसक्रीम के लेयर को अच्छे से शो करने के लिए हम स्पून की हेल्प से उसे प्रेस करते रहेंगे ताकि हमारी लेयर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखती रहे। नेक्स्ट स्टेप में आइसक्रीम के लेयर के ऊपर हम ऐड ऑन करेंगे एप्पल की एक और लेयर। हमें फ्रूट्स की भी एक अच्छी लेयर रखनी है ताकि जब हम उसके एक बाइट लें तो हमारा फ्रूट्स का फ्लेवर मुंह में आए। फिर हमें एप्पल के ऊपर डालना है फालूदा। हम फालूदा की भी अच्छी क्वांटिटी रखेंगे। अगर आपके पास फालूदा नहीं है तो आप सब्ज़ा का यूज़ कर सकते हैं, वो भी इस पुडिंग में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करेगी। फालूदा के लेयर के ऊपर हम ऐड ऑन करेंगे अपना चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम आप जितनी क्वांटिटी में चाहें उतनी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ अराउंड 2 या 3 टेबल स्पून लिया है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारी सबसे टॉप की लेयर होने वाली है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग इसकी लेयर को की थिकनेस दे सकते हैं। फिर हम इसे गार्निश करेंगे एक चोको रोल्स के साथ ताकि हमारा पुडिंग देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे। सो आइए देखते हैं हमारी पुडिंग देखने में कैसी लगती है। लग रही है ना बहुत टेम्पटिंग? इस समर में इससे अच्छी रेसिपी और क्या हो सकती है।